कुछ ऐसे लेटर्स इंग्लिश में हम लोग लिख रहे हैं जो कि ऊपर वाले लाइन से शुरू होते हैं, रेड लाइन से। मैम कहते हैं ना रेड लाइन टच करके लिखो, रेड लाइन टच करके। तो वैसे लेटर्स को हमने क्या जाना कि हम कह सकते हैं स्काई लेटर्स। क्या कहेंगे? लेटर्स। फिर कुछ लेटर्स वैसे हैं जो बीच में आते हैं, बिल्कुल दो लाइन के बीच में लिखते हैं स्मॉल लेटर, उसे हम कहेंगे ग्रास लेटर्स। क्या कहेंगे? ग्रास लेटर्स। घास की तरह एकदम बीचों बीच, है ना। और फिर कुछ लेटर्स ऐसे है ना, जैसे ये जी जे पी क्यू वाई, जो नीचे तक जाते हैं, उसे हम कहेंगे रूट लेटर्स। क्या कहेंगे? रूट लेटर्स। तो अब ये लेटर्स के बारे में हमने बार बार पढ़ा। अब देखो यहाँ पे वो लेटर्स मैंने रखे हैं, ये लेटर्स में से आपको मैं नाम लेके पुकारूंगी, वो सामने आएगा और वो लेटर देखकर पहचानेगा और फिर मुझे बताएगा कि वो स्काई लेटर है, ग्रास लेटर है या रूट लेटर है। लेकिन सिर्फ बताने से नहीं होगा, आपको वो कार्ड सही जगह पे रखनी होगी और यहाँ पे लिखना भी होगा वो लेटर पेंसिल से। ठीक है, तो मैं पेंसिल रेडी रखती हूँ। परिधि अब दूसरा कार्ड लो और बताओ कि कौन सा लेटर है ये। बी। सबको दिखाओ, परिधि को क्या मिला है? बी। अब परिधि पहले बताओ कि बी को कॉपी में कैसे लिखते हैं, लिख के दिखाओ पेंसिल लेके। टेक द पेंसिल। अब बी मुझे बताओ स्काई लेटर हुआ या ग्रास लेटर हुआ? स्काई लेटर, तो रख दो उसको स्काई लेटर के जगह पे। कहां पे जाएगा स्काई लेटर? कहां जाएगा स्काई लेटर? अब सबको दिखाओ कि बी कौन सा लेटर है? स्काई लेटर है ना। बी देखो, बी ऊपर से शुरू होता है, बीच में नहीं लिखते हैं। वेरी गुड, क्लैप करो। अब स्वयं की बारी है, जल्दी आओ। उसके बाद में स्वयं लेटर लो। कौन सा लेटर है बेटा? आर। पेंसिल लेके पहले आर लिखो। आर हम कहां लिखेंगे? फोर लाइन में सुंदर से लिखना, स्मॉल आर लिखो। अब मुझे बताओ कि आर स्काई लेटर है या ग्रास लेटर है? ग्रास लेटर है। क्यों ग्रास लेटर है? क्योंकि हम इसको बीच से लिखते हैं, तो आर को बीच में रख दो, बीच वाले में। वेरी गुड, और दिखा दो आर कौन सा लेटर हुआ? ग्रास लेटर। आर इज ग्रास लेटर। वेरी गुड, पुट द पेंसिल डाउन। ओके आयुष, यू कम, पीयूष आओ। चलो कौन सा लेटर है जल्दी उठाओ और सबको बताओ। विच लेटर? एस। शो दिखाओ, एस सब पहचानो, एस। अब एस को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं या बीच में या नीचे? बीच में। तो लिख के दिखाओ कॉपी में, स्मॉल एस को हम कहाँ लिखते हैं बेटा? दो ब्लू लाइन के बीच में। सब ध्यान दोगे, सबसे पूछूंगी मैं, लिखा। अब आप इसको कहाँ रखोगे, स्काई लेटर में या ग्रास लेटर में? लिखो, रखो और पेंसिल रख के दिखाओ, बोलो एस इज। कैसे दिखाओगे? ग्रास लेटर। एस इज ग्रास लेटर। ठीक है, वेरी गुड, क्लब खुशी। चलिए अब खुशी को समझ में आ गया क्या करना है। सबसे पहले लेटर लेना है, कौन सा लेटर है? लो टी है। अब बताओ कि टी कहां से लिखेंगे, ऊपर से या बीच से या नीचे ले जाएंगे? ऊपर से लिख के दिखाओ पहले, पेंसिल लेके अच्छे से लिखो। कौन से लाइन से लिखेंगे बेटा? रेड लाइन से। कौन से लाइन से? रेड लाइन। ऊपर से। अब पेंसिल रख दो और टी को कहां रखोगी? रख दो। तो खुशी ने क्या चुना था, कौन सा लेटर दिखाओ सबको? टी। टी कौन सा लेटर है, स्काई लेटर है या ग्रास लेटर? करके दिखाओ।